नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल रियल नॉलेज पे। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर जितेंद्र सिंह ने सवाल किया है कि जोधपुर से फुलेरा मार्ग दोहरीकरण का कार्य कब तक पूरा होगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं जोधपुर फुलेरा रूट मार्ग दोहरीकरण की। दोस्तों, रेलवे द्वारा 2017 में जयपुर से जोधपुर मार्ग दोहरीकरण का शिलान्यास किया गया। रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोहेन ने फुलेरा से डेगाना मार्ग दोहरीकरण का शिलान्यास 9 दिसंबर 2019 को बोरावड़ में किया था। और दोस्तों, इस कार्य को मार्च 2020 में पूरा किया जाना था, लेकिन कार्य शुरू करने वाली संबंधित ठेका फर्म को घाटा लगने पर फर्म ने कार्य बंद कर दिया, इसलिए रेलवे ने दोबारा से टेंडर जारी किया। दोस्तों, इसके बाद रेलवे ने दो अलग अलग टेंडर जारी किए, जिसमें जोधपुर के रायकाबाग से डेगाना 145 किलोमीटर और डेगाना से फुलेरा 108 किलोमीटर मार्ग दोहरीकरण का कार्य जो सितंबर 2020 में पूरा होने की उम्मीद है। दोस्तों, इस मार्ग दोहरीकरण की अनुमानित लागत 1200 से 1300 करोड़ रुपए होगी। और दोस्तों, इस डबलिंग कार्य होने के बाद जयपुर से जोधपुर तक ट्रेनों को कम समय लगेगा और ट्रेनें क्रॉसिंग में लेट नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद है फुलेरा से जोधपुर तक का डबलिंग का कार्य सितंबर 2022 तक रेलवे पूरा कर ले। तो दोस्तों, यह थी जोधपुर से फुलेरा मार्ग दोहरीकरण की छोटी सी जानकारी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें, ताकि चैनल पर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।